तभी आपका जो डाटा है, देखो आप देख रहे हो नीचे, तो हमें नीचे वाला जो डाटा है इसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अपन को किस डाटा की ज्यादा जरूरत है जो इधर है, क्योंकि वो इस साइड जा रहा है, नीचे तो अपने कम। तब आप क्या करोगे, ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे, लैंडस्केप कर दो। देखो हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो कम आ रहा है, जब हम इसको लैंडस्केप कर देंगे तो देखो ज्यादा आने लगा इसमें। का आया समझ में? यही आप यहाँ से कर सकते हो। जब आप कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे भी आता है ओरिएंटेशन, आपको पोर्ट्रेट रखना है तो ये खड़े में आएगा पेज। अगर आप इस पेज को लैंडस्केप यानी कि आड़े में निकालोगे तो आपका इस पे ज्यादा डाटा बन जाएगा, तब आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है साइज। पेज साइज आपको क्या रखना है, अगर आप इसको पीडीएफ वगैरह में कर रहे हो या फिर जिसमें भी कर रहे हो। देखो हमने यहाँ से अभी क्या सिलेक्ट है, लेटर है। कैसे पता चल रहा है लेटर है सिलेक्ट, वो हाईलाइट हो रहा है सबसे ऊपर वाला यहाँ पे, ठीक है ये सिलेक्ट है। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं लीगल, तो आप देख रहे हैं पेज साइज चेंज हो गया और यहाँ पर जा रहा है अपन, तो ये देखिए लीगल आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, अगर आपको और कोई सा पेज लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहो आप वो पेज साइज ले सकते हो। A3 ले लिया, A3 बहुत बड़ा होता है। आपने CBSE की मार्कशीट देखी होगी, बहुत बड़ी रहती है, ये रहता है A3 पेज। पूरी मार्कशीट आ गई और एक्स्ट्रा एरिया भी बच रहा है। ठीक है, तो आप क्या रोल करोगे, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो पेज, लेकिन आपका प्रिंटर कैसा पेज निकालता है, A4 साइज। फिर आप भले कोई सा भी पेज सिलेक्ट कर लो, वो निकालेगा तो A4। ठीक है, अपन यहाँ से अभी A4 ही कर देते हैं। हमने यहाँ से साइज पर गए और हमने यहाँ से कर दिया A4 साइज। A4 साइज पर आपका इतना आ रहा है, बस इतना सा बच रहा है आपका नेक्स्ट पर, बाकी पूरा आपका एक ही पेज पर आ गया। तो इस चीज से भी बचना है, तब हम आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं आप, कि आपको पूरा एक पर लिंक लेकर आना, हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको इतना समझ में आया पेज साइज आपको क्या रखना, A4 रखना है या फिर लेटर रखना। A4 साइज कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। ठीक है, अब आपका प्रिंटर क्या करता है, A4 साइज के पेज निकालता है या फिर लेटर साइज, और आप उस में सिलेक्ट कर दोगे क्या A3, बहुत बड़ा पेज है। अब प्रिंटर क्या करेगा, A4 रखोगे आप तो A4 ही निकालेगा, एक्स्ट्रा जो एरिया उसको काट देगा, लेकिन वो निकालेगा A4 ही। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रिंटर है वो किस साइज की पेज निकालता है, तो आपसे आपको यहाँ से वो ही साइज सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, और जब आप कंट्रोल पी करते हैं इसको प्रिंट निकालने के लिए, आप कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए A3 सिलेक्ट है, आपको क्या करना है A4 साइज पर निकालना है, तो आप यहाँ से A4 सिलेक्ट कर लो, पेज चेंज होगा। ठीक है, कर लेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए लैंडस्केप और पोर्ट्रेट लैंडस्केप करना है ओरिएंटेशन, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको पेज साइज सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मार्जिन सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं बैक, इतना आ गया समझ में। अब हम इसको नॉर्मल कर दो, नॉर्मल कर दिया। ठीक है, अब आपको पेज साइज जो भी रखना है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि किस साइज का आना चाहिए। इतना क्लियर है? अब इसके बाद अभी हम आपको आप देख रहे हैं कि जब हम कंट्रोल पी कर रहे हैं तो पूरा एरिया आ रहा है, जबकि हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ ही एरिया इसमें प्रिंट में निकालना है। तब आप क्या करोगे, जैसे कि हमें ओनली इतना एरिया प्रिंट में निकालना है, बाकी अदर एरिया है इसको प्रिंट में नहीं निकालना, भले ही छोटा हो बड़ा हो कुछ भी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रिंट एरिया का। ठीक है, जैसे कि हमें ओनली स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम इतना ही प्रिंट में निकालना है, तो इतनी जगह हमने क्या की, सिलेक्ट की, सिलेक्ट की। अभी हम कंट्रोल पी कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरी शीट आ रही, हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें रोल नंबर और नाम चाहिए स्टूडेंट के। तब आप क्या करोगे, पहले सिलेक्ट करोगे जितनी जगह आपको प्रिंट में निकालनी है, हमने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट एरिया वाला ऑप्शन मिलता है। प्रिंट एरिया के ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेट प्रिंट एरिया, आप इस ऑप्शन पर क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब आप कंट्रोल पी करो, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया उतना एरिया ही आ रहा है प्रिंट में। आप यहाँ पर देख रहे हो पेज भी एक ही बता रहा है। ठीक, अब हम आपको ये कल और भी अच्छे से बताएंगे, डबल से बताएंगे, लेकिन अभी आप फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। प्रिंट एरिया पर जा रहा है, आपको जितना एरिया प्रिंट में देना है, आप क्या करोगे, पहले एरिया सेलेक्ट करो, फिर आप यहाँ पर जाकर सेट प्रिंट एरिया कर दो। अब आप भले कहीं पर भी आप कंट्रोल पी करोगे तो वो ही एरिया प्रिंट करेगा जो आपने सेलेक्ट किया है, इसके अलावा कोई अदर एरिया वो क्या करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहते हो कि हमें अब इसको हटाना है, दूसरा एरिया प्रिंट करना है, तब आप क्या करोगे,
दूसरा एरिया सेलेक्ट करके वहां पर सेट प्रिंट एरिया कर दो। पहले अपने सामने दो ऑप्शन आ रहे थे, अब आपके पास सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से सेट प्रिंट एरिया करोगे, जैसे कि हमने इतना सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाकर कर दिया सेट प्रिंट एरिया, और अब हम कंट्रोल पी कर रहे हैं तो वही एरिया प्रिंट में आ रहा है, पहले वाला हट गया। ठीक है, अब हमें करना ही नहीं है, हमें नॉर्मल करना है इसको। तब आप क्या करोगे, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है क्लियर प्रिंट एरिया, आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो जो भी आपने एरिया सेट किया था वो सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। आप कंट्रोल पी करोगे पूरा पेज आने लगे, कर लेंगे, आ जाएगा। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, जब आप पूरा पेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप नॉर्मली कंट्रोल पी कर दोगे, लेकिन आप इस पेज में से कुछ एरिया ही प्रिंट कराना चाहते हो तब आप उतने एरिया को सिलेक्ट करो और यहाँ पे प्रिंट एरिया पर जाकर सेट प्रिंट एरिया कर दो, तो सिर्फ उतना ही एरिया क्या होगा, प्रिंट होगा। क्लियर है? और अगर आप ये हटाना चाहते हो, भले ही आप कहीं पे भी क्लिक कर लो, कुछ भी कर लो, आपका वही एरिया प्रिंट होगा जो आप सिलेक्ट कर चुके हैं। अब आपको ये सिलेक्शन से हटाना है, तब आप क्या करोगे, क्लियर प्रिंट एरिया, और फिर कंट्रोल पी करोगे तो देखो पूरा एरिया हट गया है। तो इस तरह से कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो